हेलो एवरीवन वेलकम टू रविदती क्लासेस तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स अवार्ड्स एंड ऑनर 2022 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको 120 प्लस क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं जो कि आपके अपकमिंग सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और फ्रेंड्स इस वीडियो में हम एम एज वेल एज वन लाइनर फॉर्म दोनों फॉर्म में ही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है तो चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से हु हैज़ won द टाइटल ऑफ मिस इंडिया यू एस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आर्या वालवेकर तो आर्या वालवेकर फ्रेंड्स मिस इंडिया यू 2022 जीती हैं तो ये आपको याद रखना है और रनर अप रही हैं फ्रेंड्स इस कंपटीशन में सौम्या शर्मा ये आपको याद रखना है और मिसेस इंडिया यू बनी है अक्षी जैन जो कि वाशिंगटन की है मिस टीन इंडिया यूएसए बनी है तनवी ग्रोवर न्यूयॉर्क से और वेन्यू था फ्रेंड्स कॉम्पिटिशन का न्यू जर्सी यूएसए और एडिशन था ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को पीस UNESCO Peace Prize 2022 फॉर वेलकमिंग refugees? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंजला मार्केल तो एंजला मार्केल जो कि फॉर्मर जर्मन चांसलर हैं इनको यूनेस्को पीस प्राइज 2022 मिला है ये या आपको याद रखना है और फ्रेंड्स ये जो अवार्ड है ये फ्रेंड्स फॉर्मर प्रेजिडेंट जो आइवरी कोस्ट के रह चुके हैं उनके नाम पर रखा गया है और फ्रेंड्स इसे ऑफिशियली फेलिक्स हुफियोट वोगन यूनेस्को पीस प्राइज भी कहते हैं यह आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इंडियन फ्रीडम फाइटर फ्राम द यू के टू हैव बीन ऑनर्ड विद द ब्लू प्लेक ऑनर एट हिज लंडन रेजिडेंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दादा भाई नोरोजी तो दादा भाई नौरोजी के फ्रेंड्स जो लंदन का घर है उसे ब्लू प्लेक ऑनर मिला है ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे तो ये आपको याद रखना है और ये फ्रेंड्स पहले एशियन थे जो कि मेंबर बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में एज ए मेंबर थे लिबरल पार्टी के फ्रॉम 1892 टू तो 1895 तक तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन

और फ्रेंड्स इन्हें ये, ये अवार्ड फिल्म 83 के लिए मिला है जिसमें इन्होंने कपिल देव का रोल अदा किया है ये आपको याद रखना है और वहीं फ्रेंड्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड शेफाली शाह को मिला है जलसा मूवी के लिए ये आपको याद रखना है और वेन्यू है फ्रेंड्स इन अवार्ड शो का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वुमन जर्नलिस्ट हैजन दुलर प्राइस ट्वेंटी ट्वेंटी टू इन द कैटेगरी ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री करेक्ट आंसर इस ऑप्शन है फाहमिदा अजीम जो कि बांग्लादेश की हैं तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स फामिदा अजीम बांग्लादेश की हैं और ये पेंटर एज वेल एज स्टोरी टेलर हैं और ये फ्रेंड्स काम करती हैं यूएस ऑनलाइन मैगजीन इनसाइडर में और इन्हें चुना गया है फ्रेंड्स 2022 के पुल्जर प्राइज के लिए ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच लिटरेचर विल बी कन्फर्ड द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ट्वेंटी फॉर हिज हिंदी नॉवल थियोरम करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी भगवंत अनमोल तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु विल बी अवारेड द प्रेस्टिजियस लिबर्टी मेडल 2022 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी व्लाडीमिर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन कंट्री के प्रेसिडेंट हैं तो इन्हें ये प्रस्टिजियस लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाएगा ये आपको याद रखना है और फ्रेंड्स इन्हें ये मेडल इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्ट किया है अपने देशवासियों को फ्रॉम द रशियन इन्वेजन तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच क्रिकेटर विल बी ऑनर्ड विद पाकिस्तान थर्ड हाइस्ट सिविलियन ऑनर सितारा इम्तियाज ट्वेंटी ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर इस ऑप्शन है बाबर आजम तो बाबर आजम फ्रेंड्स पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं ये आपको याद रखना है और इन्हें सितारा इम्तियाज अवार्ड मिला है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अवार्डेड द डी पाल आर एन गम गस्तन ट्वेंटी लद्दाख हाइएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर इट्स टू ह्यूमेनिटी करेक्ट आंसर इस ऑप्शन सी दलाई लामा तो दलाई लामा जी को ये अवार्ड मिला है ये आपको याद रखना है और फ्रेंड्स ये जो अवार्ड दिया गया है ये लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा दिया गया है दलाई लामा जी को क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है ह्यूमैनिटी की तरफ और लद्दाख की तरफ ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अवार्डेड द ड्रीमसेस अवार्ड ट्वेंटी फॉर प्रमोटिंग एडुकेशन करेक्ट आंसर इस ऑप्शन है सत्यनारायण मुंदयूर तो सत्यनारायण मंदेयूर को ड्रीमसिस अवार्ड 2022 मिला है ये आपको याद रखना है और फ्रेंड्स ये जो सत्यनारायण मंदे और हैं ये पद्मश्री अवार्डी हैं अरुणाचल प्रदेश के हैं और पॉपुलरली इन्हें अंकल मूसा भी कहा जाता है और इसीलिए इन्हें फ्रेंड्स ड्रीमसिस अवार्ड ट्वेंटी मिला है क्योंकि इन्होंने एडुकेशन को प्रमोट किया है थ्रू लाइब्रेरी मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन नेशनल पार्क हैज वोन द सेकेंड एनुअल इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022? ट्वेंटी टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑरेंग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व जो कि असम का है तो इसे इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड ट्वेंटी मिला है ये आपको याद रखना है और फ्रेंड्स ये जो अवार्ड है ये आई और डब्ल्यू द्वारा दिया जाता है आई है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डब्ल्यू है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज तो ये दोनों बॉडीज ही इस अवार्ड को देती हैं ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वोन द टाइटल ऑफ़ मिस इंडिया वर्ल्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सिनी सदानंद शेटी जो कि कर्नाटक से हैं तो ये फ्रेंड्स मिस इंडिया वर्ल्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू बनी है ये आपको याद रखना है और फ्रेंड्स इस कॉम्पिटिशन का मेन्यू है मुंबई महाराष्ट्र नेक्स्ट क्वेश्चन विच हिंदी राइटर हैज़ बिन अवार्डेड विद द थर्टी फर्स्ट व्याज सम्मान ट्वेंटी ट्वेंटी वन फॉर हिज ड्रामा महाबली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए असगर वजाहत तो असगर वजाहत को ये थर्टी फर्स्ट ब्याज सामान ट्वेंटी ट्वेंटी वन मिला है ये आपको याद रखना है और इन्हें ये अवार्ड फ्रेंड्स नाटक महाबली के लिए मिला है और ये जो इनका नाटक महाबली है ये फ़ोकस करता है फ्रेंड्स मेनली मुगल एम्प्रर अकबर और पॉइट तुलसीदास के ऊपर और ये जो फ्रेंड्स ब्याज सम्मान है ये के के बिरला फाउंडेशन देती है जिसने भी लिटरेरी में कोई अच्छा काम किया हो उसे दिया जाता है और ड्यूरिंग द लास्ट टेन ईयर्स तो ये उस इंडियन सिटीज़न को मिलता है ब्याज सम्मान Next question. Which Indian physician has been selected for the prestigious follow of the American Academy of Neurology Award 2022? Correct answer is option C. Dr. N. V. Sundra Cherry. So next question. Who has become the first woman architect from South Asia to win the prestigious Lisbon Trinale Millennium BCP Lifetime Achievement Award 2022? Correct answer is option B. मरीना तबुस्सम जो कि बांग्लादेश की हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच महारतन कंपनी हैज बिन अवार्डेड द एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड न्यू दिल्ली को तो अब मैं आपको एन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ये फ्रेंड्स इंडिया की लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है ये आपको याद रखना है और इसे इसेब्लिश किया गया है ऑफ नवंबर को हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है एमडी और सीईओ है इसके गुरदीप सिंह ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव द कन्फर्मेंट ऑफ हाउ मैनी गैलेंड्री अवॉर्ड टू द इम्प्लाइज ऑफ आर्म फोर्सेज एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑन द अकेजन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 107 हंड्रेड मेडल्स तो फ्रेंड्स इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इंडियन आर्मी का डॉग है एक्सेल उसे भी इंक्लूड किया गया है इस गैलेंट्री अवार्ड में और इसे यह अवार्ड पौस्तु असली दिया जाएगा और वन जो सेवन गैलेंड्री अवार्ड अनाउंस किए गए हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा उसमें फ्रेंड्स तीन कीर्ति चक्र हैं तेरह शौर्य चक्र हैं दो बार टू सेना मेडल्स से हैं और एटी वन सेना मेडल्स से हैं वन नवोदय मेडल है और सेवन वायु सेना मेडल्स से हैं ये या आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज वोन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स डिवाइन ट्वेंटी ट्वेंटी टू इंपॉर्टेंट वन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पल्लवी सिंह तो फ्रेंड्स पल्लवी सिंह ने मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022 खिताब जीता है ये या आपको याद रखना है और इसका वेन्यू फ्रेंड्स यूसू साउथ कोरिया में था ये या आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी पुलिस पर्सनल हैव बिन अवार्डेड पुलिस मेडल्स ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2022, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1082. तो फ्रेंड्स टोटल 1082 पुलिस जो पर्सनल हैं उन्हें अवार्ड दिया जाएगा 11 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पुलिस मेडल्स में और फ्रेंड्स इसमें हैं 347 पुलिस मेडल फॉर गैलेंड्री 87 सेवन प्रेजिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग सर्विसेज एंड सिक्स पुलिस मेडल फॉर मेटिटोरियस सर्विसेज हैज बिन अवारेड तो ये दिए जाएंगे तो फ्रेंड्स इसमें से जो भी है, Medal, हैं हाइस्ट नंबर ऑफ वन जीरो नाइन गैलेंड्री मेडल ये रिसीव किए हैं सी आर पी एफ ने दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन विल बी ऑनर्ड विद द फ्रांस हाइएस्ट सिविलियन ऑनर शेविलियर डी ला लीजेंड डी ऑनर ट्वेंटी ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी शशि थरूर तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हुज वोन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ट्वेंटी ट्वेंटी टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है खुशी पटेल तो खुशी पटेल ने फ्रेंड्स मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ट्वेंटी ट्वेंटी टू का किताब जीता है यह आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु विल बी पोस्तु मसली अवॉर्डेड द कर्नाटक रत्न अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू द हाइएसविलियन ऑनर ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटक करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पुनीत राजकुमार तो इन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा यह आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन हैज़ बिन अवार्डेड द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट शेवेलियर अवार्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कनन सुंदरम तो कनन सुंदरम को ये नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड दिया जाएगा फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा ये आपको याद रखना है और फ्रेंड्स इस अवार्ड को देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ़ फ्रांस ये आपको याद रखना है और कनन सुंदरम को फ्रेंड्स ये अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने पब्लिशिंग कारपोरेशन में बहुत अच्छा काम किया है इंडिया और फ्रांस के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अवार्डेड द डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड 2022 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रतिबा रे आपको याद रखना है और फ्रेंड्स इन्हें ये अवार्ड जो दिया जा रहा है ये इनको इनकी नॉवल्स और शॉर्ट स्टोरीज के लिए दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने इस नॉवल्स और शॉर्ट स्टोरीज में इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज को उठाया है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन

तो कौशिक राजशेखर ने वे वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है यह आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज अवार्डेड बाय द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम फॉर स्ट्रेंथनिंग टाइज बिटवीन इंडिया एंड द यू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सूटेबल बोथ यानी कि जनरल मनोज मुकुंद नारवने जो कि फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ रह चुके हैं और जिम मैटिस जो कि फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी जनरल ऑफ डिफेंस रह चुके हैं तो इन दोनों को ही ये अवार्ड दिया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ ऑनर्ड विच इंडियन एक्टर विद द प्रस्टिजियस गोल्डन वीजा 2022 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कमल हसन तो ये आपको याद रखना है अब मैं आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स ये एशिया कॉन्टिनेंट में है यू इसकी कैपिटल आबूधाबी है करेंसी है इसकी यू ए ई प्रेजिडेंट है यू के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर टाइटल एट द सिक्सटी एट्थ नेशनल फिल्म अवार्ड्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सूटेबल बोथ यानी कि सूर्य और अजय देवगन इन दोनों को ही बेस्ट एक्टर का टाइटल मिला है सिक्सटी एट नेशनल फिल्म अवार्ड्स में ये आपको याद रखना है और फ्रेंड्स जो बॉलीवुड एक्टर हैं अजय देवगन इनको फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए मिला है ये अवार्ड और जो साउथ के स्टार हैं सूर्य इनको सोर राई पोर्ट्रो मूवी के लिए मिला है ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन रेजिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 हैज बीन वॉन बाय ऑफ विच कंट्री करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यूक्रेन और अवार्ड सेरेमनी ये हेल्ड हुई है फ्रेंड्स वाशिंगटन डीसी यूएसए में और फ्रेंड्स ये जो यूक्रेन की फर्स्ट लेडी हैं ओलेना जिलेंस का इन्होंने रिसीव किया है ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल पीपल ऑफ यूक्रेन ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद केरलाज हाइस्ट फिल्म अवार्ड जेसी डेनियल अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए के पी कुमारन जो कि मलयालम फिल्म मेकर हैं ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज़ अवार्डेड सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर इन द लार्ज इंस्टीट्यूट कैटेगरी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद को नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 ट्वेंटी वन बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सूटेबल बोथ यानी कि दिया मिर्जा जो कि गुडविल एम्बेसडर हैं यू एन ई पी की और अफरोज शाह जो कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु विल बी अवार्डेड जपैन्स हाइस्ट ऑनर सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम ट्वेंटी ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी शिजो एबे तो शिंजे अबू को ये सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइंथिमम अवार्ड ट्वेंटी का दिया जाएगा और इन्हें यह पोस्तमी अब मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अवार्डेड द सी डबल आई क्वालिटी रत्न अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी वन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अशोक सूता ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन जापान हैज़ ऑनर्ड विच इंडियन विद द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नारायणन कुमार तो नारायणन कुमार को ये दोनों अवार्ड दिए गए हैं ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिकम द यंगेस्ट वुमेन टू रिसीव अमेरिकाज हाइस्ट सिविलियन अवार्ड प्रेजिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सिमोन बाइल्स और फ्रेंड्स ये अवार्ड दिया है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने और सिमोन बाइल्स जो हैं ये एक जिमनास्टिक हैं ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन महारत्न कंपनी हैज बीन रिकोगनाइज एज द मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस इन द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली एन टी पी सी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन वुमन हैज बीन ऑनर्ड विद द आयुर्वेदा रत्न अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू बाई दूके पार्लियामेंट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए तनुजा निसारी तनुजा निसारी फ्रेंड्स आयुर्वेदा रत्न अवार्ड मिला है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन लिटरेचर हैज़ बिन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस थर्टी फर्स्ट सरस्वती सम्मान ट्वेंटी ट्वेंटी वन फॉर हिज पॉइंट मैं तो यहाँ हूँ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रामदर्श मिश्रा ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन टू विन द प्रिस्कर प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डाइबेडो फ्रांसिस कैरे ये आपको याद रखना है Next question. Which state of India has won the best project award at the World Summit of Information Society 2022? Correct answer is option D Meghalaya. Next question. Which Indian American student has won America's prestigious Spelling Bee competition 2022? Correct answer is option B Harini Logan. Which Indian young woman entrepreneur has won the Times Business Award 2022? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रश्मि साहू तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच क्रिकेटर हैज बिन ऑनर्ड विद पाकिस्तान थर्ड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड सितारा ए पाकिस्तान बी डेरन एन सैमी जो कि वेस्ट इंडीज टीम के प्लेयर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिन ऑनर्ड विद द वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू एट द सेवनटींथ एडिशन ऑफ द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी संजीत नार्वेकर नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अवार्डेड विद द रामनाथ गोइंग अवार्ड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ईशान अ लतीफ को तो ईशान ने लतीफ को ये समान दिया गया है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वोन द प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड ट्वेंटी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अमर मित्रा तो अमर मित्रा को ओ हेनरी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू मिला है ये आपको याद रखना है और फ्रेंड्स ये जो हैं अमित मित्रा ये वेटरन बंगाली राइटर हैं और फ्रेंड्स इन्हों को ये ओ हेनरी अवार्ड मिला है इनकी शॉर्ट फिक्शन स्टोरी ग्वान बरू के लिए ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वन द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ़ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू अवार्ड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एम्बर ब्रैकेन तो एम्बर ब्रैकिन को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ़ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू अवार्ड मिला है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स 2022, ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर इस ऑप्शन ए विक्की कौशल तो विक्की कौशल को फ्रेंड्स ये अवार्ड सरदार उधम मूवी के लिए मिला है ये आपको याद रखना है और फ्रेंड्स ये अवार्ड शो आबूधाबी में हुए हैं ये आपको याद रखना है और एडिशन था इन अवार्ड्स का ट्वेंटी सेकेंड आपको याद रखना है अब मैं आपको जो अदर अवार्डीज़ हैं उनके नाम भी बता देता हूँ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन को मिला है मिमी मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विष्णुवर्धन को शेरशाह मूवी के लिए मिला है ये आपको याद रखना है बेस्ट स्टोरी अडेप्टेशन का अवार्ड कबीर खान को मिला है 83 मूवी के लिए और बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी का अवार्ड अनुराग वसू को मिला है लूडो मूवी के लिए बेस्ट फीमेल सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड साई तमहेकर को मिला है फॉर मिमी मूवी के लिए बेस्ट मेल सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड पंकज त्रिपाठी को मिला है लूडो मूवी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर इज इज ऑप्शन बी फोर्ड यहां पे लिख देता हूं मैं फ्रेंड्स शायलिन फोर्ड तो शाइलिन फोर्ड ने फ्रेंड्स मिस वर्ल्ड 2022 का टाइटल जीता है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अवार्डेड द फर्स्ट कैमपे इंटरनेशनल अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सूटेबल ऑल यानी कि प्रकाश पादुकोण जो कि फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर हैं एस एम कृष्णा जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक हैं, एन आर नारायण मूर्ति ये फाउंडर रह चुके हैं इन्फोसिस के तो इन तीनों को ही ये फर्स्ट कैमपे इंटरनेशनल अवार्ड मिला है ये या आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन

ये हेल्ड हुए हैं फ्रेंड्स डॉल्बी थिएटर इन लॉस एंजल्स यू में और ये इसका नाइन्टी फोर्थ एडिशन है ये आपको याद रखना है मैं आपको अभी जो विनर हुए हैं इस ऑस्कर अवार्ड्स के उनकी लिस्ट बताया था फ्रेंड्स बेस्ट फिल्म का अवार्ड कोडा मूवी को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को मिला है किंग रिचर्ड्स मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसिका चेस्टेन को मिला है द आइज़ ऑफ द टेमी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जैन कैंपियन को मिला है फॉर द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड समर ऑफ साउल को मिला है यह आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ द फिक्शन अवार्ड फॉर द द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रूथ उजे की नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज दिक्सटी फोर्थ एनुअल ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी हेल्ड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लास वेगस निवादा में तो लास वेगस नेवादा में फ्रेंड्स एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स आयोजित हुए हैं ग्रामी अवारी अवार्ड है जिन्होंने भी अचीवमेंट्स हासिल की किए म्यूजिक इंडस्ट्री में उन्हें यह दिया जाता है अब मैं आपको जितने भी अवार्ड हुए हैं उनके नाम बताता हूँ रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड जॉन बैटिस्ट को मिला है वीआर के लिए बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड क्रिस स्टेपल्टन को मिला है स्टार्टिंग ओवर के लिए बेस्ट वोकल एल्बम का अवार्ड ओलिविया रोड्रिको को मिला है और फ्रेंड्स बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड ओलिविया रोड्रिको को मिला है सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड सिल्क सोनी को मिला है लीव द डोर ओपन के लिए बेस्ट रॉक सॉन्ग का अवार्ड फू फाइटर्स को मिला है वेटिंग ऑन ए वॉर के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज हैजन द प्रेस्टिजियस वाइटली गोल्ड अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी चारुदत्त मिश्रा तो ये आपको याद रखना है next question which documentary has won the prestigious golden conch award for best documentary at the 17th edition of mumbai international film festival of india 2022 correct answer is option d turn your body to the sun next question who has become the first indian to be awarded with the prestigious waltzman medal most important question friends correct answer is correct answer is option b दीपक धर तो फ्रेंड्स दीपक धर फर्स्ट इंडियन बने हैं जिनको ये वॉल्समैन मेडल मिला है ये आपको याद रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अभी हम एम फॉर्म में क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विच इंस्टीट्यूट इन इंडिया हैज़ बिन अवार्डेड द राजा हमद बिन असा अल खलीफा अवार्ड ट्वेंटी बाय द यूनेस्को फॉर द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एडुकेशन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी

विच स्ट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस मो बस हैज़ बिन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी उड़ीसा विच इंडियन आर्किटेक्ट हैज़ बिन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू बाल कृष्ण बिठल दास दोषी नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज बिन कन्फर्ड द बंगला अकेदमी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू फॉर हिज बुक कविता बिठान ममता बेनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल in अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू फर्स्ट हैं व्लाडीमीर जेलेंसकी जो कि प्रेजिडेंट है यूक्रेन के सेकेंड है लिस चीनी ये रिप्रेजेंटेटिव हैं यू एस ए के थर्ड हैं जॉकलिन बेंसन ये मिशीगन सेक्रेटरी हैं फोर्थ हैं रसल रस्टी बोअर ये रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑफ एरिजोना के फिफ्थ हैं वेंड्रिया शईमस ये इलेक्शन वर्कर हैं ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन

इनकी जो पोइट्री कलेक्शन है की ताबिशें इनके लिए ये प्राइस मिला है रामानुजन अवॉर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी विच इंडियन ऑथर हैजन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी टू फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर हिंदी नॉवल सेंट समाधि गीतांजलि श्री। अवार्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज ट्वेंटीफिक Who has won the Commonwealth Points of Light Award 2022? Kishore Kumar Das. Who has been awarded the 57th Janan Pete Award 2021 India's highest literary award? Damodar Mozo Which states Satya Mangalam Tiger Reserve has been awarded the prestigious TX2 Award for 2022 for doubling the population of tigers? Tamil Nadu. Next question. Who has been awarded the Assam Bhava Puruskar by the government of Assam? Ratan Tata. Which Indian sports person has been awarded the Param Vashistha Seva Medal and Padam Shri Award? Neeraj Chopra. How many people has been awarded Padam Awards in 2022? 128. Who has been awarded the Honorary D. Dotlet Award by HSNC University Maharashtra for his unpaneled contribution to the society? Ratan Tata. Which institute in India has been awarded by the World Health Organization for Tobacco Control? Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh. Who has been awarded the first award in the category of the best state in National Water Awards 2022? Uttar Pradesh. Who has won the 13th Green Storm Photography Award 2022? Mohammad Raza Moswami. हु विल भी अवार्डिड द थर्टी फर्स्ट जी डी बिडला अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी आउटस्टैंडिंग वर्क इन साइंटिफिक रिसर्च नारायण प्रधान हू हैज बीन अवार्डेड दिक्सथ डिस्टिंग्विश्ड एंटरप्रन्योर लीडरशिप अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू बाय द इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विवेक लाल हू हैज वन द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेंट्रल बैंकिंग अवॉर्ड ट्वेंटी टू मारियो मार्शेल जो कि चील के हैं विच कंट्रीज टीम हैजन द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स लाइफ फायर साइबर डिफेंस एक्सरसाइज लोग्ड शील्ड ट्वेंटी ट्वेंटीड बाई द नाटो दैट इज नॉर्थ अटल्टिक टिटी ऑर्गेनाइजेशन फिनलैंड और वेन्यू देंड इसका एस्टोनियम ने क्वेश्चन हुन द बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवार्ड एट दिंगस इंडिया अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु है हु बिकेम द फर्स्ट पैरा एथलीट फ्राम इंडिया टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड देवेंद्र झाजरिया जो की जेवलिन के प्लेयर हैं Which Indian origin citizen has been honored with the Honorary Officer of the Order of the British Empire Award by the Queen of the British Deputy High Commission, Kishore Jairaman? Who has won the Vangari Mathai Forest Champions Award 2022? Cecil Nadzevit who is from Cameroon. Which Indian actor has been honored with the Excellence in Cinema Award 2022 at the French Rivera Cannes Festival, Nawazuddin Siddiqui? Next question. हु हैज़ बिन अवार्डेड द प्रस्टीजियस ऑनरे चाइल्ड राइट्स हीरो अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू अशोक दयाल चंद जो कि इंडिया से हैं और जेम्स कॉफी अनान जो कि घाना से हैं विच इंडियन हैज़ बिन अवार्डेड द प्रस्टिजियस हम बोल्ट रिसर्च अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू इंदरजीत सिंह विच इंडिविजुअल्स इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स हैज़ बिन अवार्डिड द प्रस्टिजियस नाइनटी सिक्स संगीत कला निधि अवार्ड ट्वेंटी 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 टू निवेली आर संथा नागोपालन इनको 2020 के लिए मिला है तिरुवरूर वक्त वत्सलम इनको 2021 के लिए मिला है जे आर कृष्णन एंड विजय लक्ष्मी को 2022 के लिए मिला है ये या आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑथर एंड जर्नलिस्ट हैज वन द विलियम ई कॉलबी बी प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी टू फॉर हिज बुक द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री अड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पैच वैली वेस्ली मॉर्गन को Which Indian has been awarded the British Honorary Award Commander of the Order of the British Empire 2022? Ajay Piramal. Who has been awarded Britain's highest outstanding honor, Honorary Member of the Order of the British Empire 2022? Guru Swami Krishnamurti, Mother Teresa Memorial Award 2021 has been received by which country? Denmark. Who has been awarded the highest diplomatic award? Jos Gregorio Pas Seldon 2022 by the Peruvian Government, Ardeshir B.K. Dubash, who has been honored with the Committed Leader Award 2022 at CII XCON 2022, Anjali Pandey, which company has won the Startup of the Year Award 2022 at the Amazon Sambhav Entrepreneurship Challenge 2022, Genesis Energy Critical Innovation Private Limited, who has won the Prestigious Sportsman of the Year 2022 Award at the स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड नीरज चोपड़ा और मीरा भाई चानू फ्रेंड्स को मिला है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड यह आपको याद रखना है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द ग्लोबल पीस एम्बेसिडर ट्वेंटी ट्वेंटी इंडियन इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ट्वेंटी ट्वेंटी टू बबीता सिंह अवार्डेड द चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू बाई यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम डेविड एटनड्रो हु हैज़ द ई वाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फाल्गुनी नायर जो कि नायका की सी हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज ऑनर्ड होम विद द डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ए आई एम ए मैनेजिंग इंडिया अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी वन शुजीत सरकार और शुजीत सरकार को फ्रेंड्स ये अवार्ड मिला है सरदार उधम मूवी के लिए ये आपको याद रखना है हु विल बी ऑनर्ड विद द दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी वन फॉर द फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्बर डे फाउंडेशन विच सिटी ऑफ इंडिया एज द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड ट्वेंटी ट्वेंटी अर्बन ग्रीनरी हैदराबाद एंड मुंबई विच क्रिकेटर हैज़ बिन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स आइकन ट्वेंटी ट्वेंटी अवॉर्ड बाई द मालदीव गवर्नमेंट सुरेश रायना हुन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू द पावर ऑफ द डॉग अब मैं आपको फ्रेंड्स लिस्ट करवा देता हूँ जितने भी अदर अवार्डिज हुए हैं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जैन कैंपियन को मिला है द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन द लीडिंग रोल जोआना स्कैलन को मिला है आफ्टर लव के लिए बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल विल स्मिथ को मिला है किंग रिचर्ड्स के मिली बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड एरियाना डेबोस को मिला है फॉर बेस्ट साइड स्टोरी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड ट्रॉय कॉटसर को मिला है ये भी आपको याद रखना है विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज़ बिन अवार्डेड द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड इन द एशिया पैसिफिक रीजन फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली का है हु ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कॉरेजियस वुमेन अवार्ड 2022 ट्वेंटी टू रिजवाना हसन हु वॉन द फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड एट दादा साहब फालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू पुष्पा दराइस को और ये अवार्ड शो फ्रेंड्स मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है और ये अवार्ड नाइनटीन फिफ्टी टू से स्टार्ट हुआ हुआ है ये आपको याद रखना है अब मैं आपको पूरी लिस्ट करवा देता हूँ फ्रेंड्स जो भी विनर रहे हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ट्वेंटी टुं में बेस्ट फिल्म अवार्ड शेर शाह को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को मिला है फॉर फिल्म 83 बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेननन को मिला है मिमी मूवी के लिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू तो फिल्म्स आशा पारे को मिला है क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिला है क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड के आरा को मिला है नेक्स्ट क्वेश्चन Which person has been awarded by Pakistan with its second highest civilian award? Hilal-e-Pakistan Will Gatesco Who has been awarded the best actor in drama at the 79th Golden Globe Awards? Will Smith Who has been awarded the world CEO winner of the year 2021 award? Kishore Yedam Who has won the best national dress award in the Miss World 2022 competition? Navdeep Kaur विच एक्टर्स हैज़ बिन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड सुषमिता सेन ये आपको याद रखना है हु हैज बीन अवार्डेड द जेनेसिस प्राइस ट्वेंटी ट्वेंटी बोल रहा है हु हैजन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू अवार्ड मीराबाई छानू जो कि वेट लिफ्टिंग की प्लेयर हैं तो ये थे फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब इस वीडियो का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया जो कि है टेस्ट पार्ट जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से इन दो क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूं और आपको हमारे टेस्ट के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर टेस्ट का पहला क्वेश्चन है हु हैज वोन द यूनेस्को पीस प्राइस ट्वेंटी फॉर वेलकमिंग रिफ्यूजीज योर ऑप्शन आर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन नेशनल पार्क हैज वोन द सेकेंड एनुअल इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड ट्वेंटी यू और ऑप्शन सर तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको अवार्ड एंड ऑनर काफी डिटेल में पढ़ा दिए आशा करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट